सदियों से चली आ रही भारतीय परंपरा लुप्त होने के कगार पर थी कि चाइनीज सामान के बहिष्कार के बाद भारतीयों में मिट्टी के बर्तनों की आस जगा दी। इसी कारण इस बार सुहागने चाइनीज की जगह मिट्टी के बने करवे से पूजेंगी करवा चौथ का व्रत। चाइनीज सामान के बहिष्कार के चलते लोगों के घरों में दीपावली पर रोशनी करेंगे मिट्टी के दिए। इससे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार बिरादरी की आस बंधी है। सरकारी उपेक्षा के शिकार कुम्हार बिरादरी ने गरीबी रेखा से उबरने के लिए हरियाणा सरकार से उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कर्ज देने और विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है। सीमेंट के चक्के की जगह अब बिजली निर्मित चक्के पर दिवाली के दिए और करवा चौथ के करवे बना रहे हैं। यह कुमार गरीबी रेखा से उभर नहीं पा रहे हैं। इनका कहना है कि पहले 10-15 साल तो इन्हें चाइनीज बर्तनों, खिलौनों और दिवाली के दियों ने मरने के कगार पर ला दिया था, क्योंकि चाइनीज खिलौनों और दियों की चमक भारतीयों के दिलो दिमाग पर छा गई थी। इनके हाथ से बनाए हुए मिट्टी के खिलौने बिकने का नाम तक नहीं ले रहे थे, लेकिन अचानक चाइना द्वारा भारत पर हमले की धमकी के बाद भारतीयों ने चाइनीज सामान का एकाएक बहिष्कार कर दिया, जिसके बाद इन कुम्हारों को लगने लगा कि अब करवा चौथ पर महिलाएं उन द्वारा बनाए गए मिट्टी के कूलर से करवा चौथ का पूजन करेंगी। धर्मपाल, हम ये चाहते हैं कि हम इतने 50 वर्षों से काम कर रहे हैं मिट्टी का, हमारे पीढ़ी में पीढ़ी चली, लेकिन इस काम में हमारे कोई तरक्की नहीं। चाइना का माल इतना आ रहा है कि हमारा काम जो है पिटता जा रहा है। हम ये चाहते हैं चाइना का माल जो है वो बंद हो, बंद कर दिया है लेकिन फिर भी चल रहा है थोड़ा बहुत, तो हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल ही बंद हो और ये कहा जाए लोगों से कि मिट्टी ही शुद्ध है और मिट्टी के ही दिए जलाए जाएं और मिट्टी का बर्तन का ही उपयोग करें किसी भी पाठ पूजा किसी चीज में भी। बहुत कुछ उससे फायदा हुआ हमें, हम ये नहीं कहते नहीं हुआ, लेकिन उसको भी उतार दिया गया। शायद वो होते तो आज पतन कैसे क्या और भी और बढ़ा सकते थे वो इस काम को। हम चाहते हैं कि हमारे मिट्टी के काम को बढ़ा दिया है और सरकार की तरफ से हमें कुछ मदद भी मिले, जगह मिले काम करने के लिए। हमारे पास जगह की भी इतनी तंगी है, ना कोई नौकरी है ढंग की बच्चों के पास हमारे। सरकार से भी हम भी यही मांग करेंगे कि हमारा भी माल इसी तरीके से कोई ऐसा वो हो जाए कि पूरा माल खरीदे, कोई डीलर बना दे कोई, जो अच्छा रेट हमें भी मिल सके 4 पैसे, कि हम दिल लगा के काम भी करें। लेकिन काम करने का दिल ही नहीं करता, कोई उठाते ही नहीं माल। और क्या, हमें तो 100 साल हो गए यहाँ करते हुए, हमें कोई उम्मीद नहीं सरकार से कि हमें सरकार ने कभी कुछ नहीं दिया। कोरोना की वजह से 6-7 महीने से वेले बैठे, उधार बाड़ी लेके खा रहे हैं, अपना बच्चे भी घर में बैठे हुआ है। तो अब उम्मीद है कि थोड़े बहुत दीवे चलेंगे। पहले चाइना के माल ने भट्टा बैठा रखा था हमारा, नहीं कुम्हारों के लिए तो सरकार के लिए कुछ है ही नहीं, कुम्हारों की कोई मदद नहीं है यहाँ। तो हमें मदद चाहिए, बच्चों को नौकरी मिल जाए कोई, हमें भी थोड़ी बहुत मदद दे। जैसे यूपी साइड में बहुत मदद दे रही है, ज़मीनें दे रही है, सब कुछ दे रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं। वहीं इसके 10 दिन बाद आने वाली दिवाली पर उन्हीं द्वारा बनाए गए निर्मित दिए लोगों के घरों में जगमगाएंगे, जिससे उनकी आजीविका अच्छी तरह से चल पाएगी। वह मिट्टी के दिए समेत अन्य बर्तन बनाने वाले इस कुम्हार का कहना है, सदियों से चली आ रही परंपरा को बनाए रखना हमारे लिए कितना मुश्किल हो गया था, अब कुछ आस उनके मन में जगी है कि हमारा रोजगार अच्छे से चल पाएगा। उनका कहना है कि 10-15 वर्षों से उनका धंधा इतना मंदा हो गया था कि वर्षों से चली आ रही परंपरा छोड़कर उनके बच्चे बाहर रोजगार ढूंढने में गए थे। उन्होंने सरकार से विशेष आर्थिक पैकेज देने समेत उन्हें बैंकों से इस काम के लिए कम ब्याज पर लोन भी उपलब्ध कराने की मांग की है। और यहाँ से हम गमले खरीदने आते हैं, लेकिन अब जो चाइना का माल बंद होने की वजह से यहाँ पे गमलों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और इसलिए इनको गवर्नमेंट कुछ इनका वो करना चाहिए, गवर्नमेंट को इनको जगह देनी चाहिए, ज़मीनें देनी चाहिए, ताकि इनके हेल्प हो सके, करना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इनके बारे में, क्योंकि ये बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, इनका एक ही त्यौहार लगता है दिवाली, दिवाली पे ही बेचते हैं और कोई त्यौहार नहीं है, बाकी बस दिवाली पे ही इनका काम होता है, वैसे कोई काम नहीं होता। मेरा नाम सतीश पंडित। हाँ, पिछले कई सालों से तो जो हमारे कुम्हार भाई हैं इनका काम धंधा काफ़ी चौपट हो गया था, क्योंकि चाइना से जो सस्ता माल आता था हमारा, लोगों का क्रेज उसकी तरफ ही हुआ करता था, और उसके बाद कोरोना ने सारा काम बंद कर दिया। तो इस साल कुछ लगा है कि लोग इन लोगों को थोड़ा सा काम मिल रहा है, और हम चाहते हैं कि हरियाणा सरकार इनको थोड़ा सा प्रोत्साहन दे, कुछ लोन इनको प्रोवाइड करवाए, सुविधाएं इनको दे, ताकि इनका माल यहाँ पर ये बनाकर और इसकी खपत यहीं पर हो सके। तो मेरी तो हरियाणा सरकार से यही कहता है, गुजारिश है।